क्रेटा का ई वेरिएंट जो कि सबसे बेस मॉडल है, इससे नीचे कोई सा वेरिएंट नहीं आता। तो ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की है क्रेटा की, और ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर में स्पेशली ये गाड़ी कभी भी बेस मॉडल नहीं लगती है, क्योंकि उसका जो सिल्वर पार्ट है वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है टॉप मॉडल तक। तो बेस मॉडल से पहले आउटर की चीज़ें बता देता हूँ कि बेस मॉडल में क्या क्या ऑफ़र किए जाते हैं। तो बेस मॉडल में पहले आपको ये फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता था, आपको ORVM पे मिलता था, लेकिन आपको ये अब EX में ही मिलता है। EX से शुरू हो जाता है, लेकिन बेस मॉडल में आपको फेंडर पे कर दिया है पहले से, और ये थोड़ी महंगी भी कर दी है पहले से। और अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल लुक की, तो लाइट्स आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। DRLs आपको इस तरीके से पार्किंग लाइट मिल जाएंगे, जो कि पतली है थोड़ी सी, लेकिन जो टॉप मॉडल है वो थोड़ी सी चौड़ी मिल जाती है आपको। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि हेलोजन सेटअप में है। यहाँ आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ आपको विंगलेट्स मिल जाएंगे, और ग्रिल आपको इस तरीके की ओवरऑल लुक देगी ग्रिल। और अगर हुंडई का लोगो दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का मिलेगा। और लाइट DRLs आपको काफ़ी डिसेंट लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप बेस मॉडल में बैठे हैं। ब्लैक कलर स्पेशली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करते हैं ORVM, तो आप ना एडजस्ट कर सकते हैं इसको ऑटोमेटिकली, ना आप फोल्ड कर सकते हैं इसको इस तरीके से आप, और इस तरीके से आप एडजस्ट अंदर से नहीं कर सकते, ये टोटली मैनुअल है। और अगर हम बात करते हैं डोर की, तो क्रोम डोर हैंडल भी नहीं मिलता आपको इसके अंदर, और बॉडी कलर ही हैंडल्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी काफ़ी अच्छी है इसकी। यहाँ आपको रेड में DRLs मिल जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लुक बैक की लुक की, तो काफ़ी डिसेंट लगती है। और क्रेटा का आपको यहाँ लोगो मिल जाता है, और ओवरऑल लुक गाड़ी की कुछ इस तरीके की मिलती है। अब चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या कुछ स्पेस है। आपको यहाँ शार्क फिन एंटीना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी म्यूज़िक सिस्टम वगैरह नहीं है, और ना ही इस पर डिफॉगर है, ना इसमें वाइपर है। और अगर हम बात करते हैं टायर साइज़ की, तो 16 इंचेस के आपको स्टील रिम मिल जाएंगे विद व्हील कवर, और आपको ये सिल्वर लाइन स्टैंडर्ड रखी गई है जो कि टॉप मॉडल तक आती है। अब चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या कुछ स्पेस है, चलते। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं क्रेटा के बेस एंड वेरिएंट में आ चुका हूँ। बिल्कुल बेस है, इससे नीचे कोई वेरिएंट नहीं आता, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ऑफर की जाती है। और अगर हम इसकी AC वेंट्स की बात करते हैं, तो मैनुअल में मिलते हैं। बाकी आपको ये टॉप मॉडल वाला SX वाला आपको इसमें सारा स्पीडोमीटर वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है, और सारी चीज़ें आपको इसके अंदर शो होती है। बाकी अगर हम बात करते हैं, फ्यूल गेज इधर रहा, और ये टेम्परेचर गेज इधर है, बाकी टैकोमीटर स्पीडोमीटर और 240 इसकी लास्ट दिखा रखा है। और अगर हम बात करते हैं RPM की, तो 8000 तक इसकी मैक्सिमम दिखा रखी है RPM। और अगर हम बात करते हैं, इसका डी कट स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, कोई भी कंट्रोल्स आपको यहाँ नहीं मिलते सिवाय इसके MID को कंट्रोल करने के लिए, बाकी यहाँ भी कुछ नहीं मिलता। आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं, बाकी शोरूम पे भी आप लगवा सकते हैं। यहाँ आपको एक ग्लॉसी पैनल दिया गया है, इसको चेंज करने के बाद यहाँ एक अलग से म्यूजिक सिस्टम लग जाता है। बाकी हम करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं IRVM, तो ये डे नाइट वाला है, नॉर्मल फंक्शनल है, और ये ऑटोमेटिक नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ आपको टिकट होल्डर वगैरह मिल जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल से ही ऑफर किए जाते हैं। अगर एयरबैग की बात करते हैं, तो यहाँ एयरबैग आपको बेस मॉडल से ही ऑफर कर दिए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ आपको कोई भी कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट साइज़ का है। और आपको अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ आपको सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं ड्राइवर साइड वाले, तो ड्राइवर साइड वाला ना ऑटो डाउन है, ना ऑटो अप है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपने मिरर को, जो कि काफ़ी ऑड लगता है आज के टाइम पे, क्योंकि बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में कुछ इस तरीके का हम एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ कोई भी पैनल वगैरह नहीं लगा है, बिल्कुल सादा है, और आपको ये ना फोल्डेबल नहीं मिलते हैं, और आपको लाइट्स का ऑप्शन यहाँ पीछे मिलता है, यहाँ कोई लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। EX वेरिएंट में आपको यहाँ पूरा ही पैनल मिल जाता है हैलोजन लाइट्स के साथ। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ ग्लव बॉक्स वगैरह, इस तरीके का ग्लव बॉक्स आपको यहाँ मिल जाएगा, और आर्मरेस्ट वगैरह इस तरीके का मिलेगा, और यहाँ आपको बोतल होल्डर वगैरह भी मिल जाएगा, हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके का मिलता है, जो कि काफ़ी स्मूथ है। अगर हम बात करते हैं क्लच की, तो क्लच भी काफ़ी स्मूथ है, और गाड़ी काफ़ी ही डिसेंट है चलने के मामले में और सस्पेंशन वाइज। और टॉप वेरिएंट तक आपको इसी तरीके का डुअल टोन टेक्सचर और डुअल टोन कलर के साथ आपको ये गाड़ी मिलेगी। SX तक बिल्कुल सेम रहता है, AC आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बाकी इस तरीके की फिनिशिंग आपको टॉप मॉडल तक सेम मिलती है। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं,
यहाँ आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस तरीके से वाइपर्स के कंट्रोल हैं, इस तरीके का वाइपर आपका काम करता है। और अगर हम बात करते हैं इस तरीके की, तो इस तरीके का आपको लाइट्स यहाँ मिल जाएगी, इंडिकेटर्स आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक लाइट्स का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है इसके अंदर आपको, और इस तरीके का ओवरऑल लुक में मिलता है। और अगर हम बात करते हैं ये टिल्ट, आपको स्टेयरिंग्स मिल जाता है, स्टेयरिंग आप टिल्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से गाड़ी के। और अगर हम बात करते हैं तो ड्राइविंग के लिए आपको बोनेट वगैरह सारी चीज़ें व्यू होती है। और अब इसको मैं अपने तरीके से फिक्स करने के बाद सीट को पीछे चलता हूँ, पीछे कितना स्पेस आपको मिलता है गाड़ी के अंदर बेस मॉडल के अंदर। तो रियर सीट में चलते हैं, रियर सीट में क्या कुछ स्पेस है, तो वही डुअल टोन टेक्सचर में आपको मिलता है, ये काफ़ी स्मूथ लगता है और ये इस तरीके का डुअल टोन आपको टेक्सचर मिलता है। अब चलते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर में जाने से पहले आपको एक बार अपनी हाइट बता दूँ, 5.7 हाइट है मेरी, 5 feet 7 inches, तो कुछ इतना स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आगे मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट है और आपको इस तरीके का डैशबोर्ड का लुक मिलता है। और लाइट्स आपको इधर मिल जाएगी हेलोजन सेटअप में, यहाँ आपको कोट हुक वगैरह भी मिल जाएगा, ये फिक्स्ड मिलता है जो कि टॉप मॉडल में ये फोल्ड हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है, और इस तरीके से आपको छोटा बोतल, छोटी बोतल वगैरह भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ स्पीकर का सेटअप दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर स्पीकर नहीं है क्योंकि इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तो 2/3 की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी 2/3 है, और स्पेस के मामले में क्रेटा काफ़ी अच्छी हो जाती है। रियर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं और वर्किंग एसी वेंट्स है, और यहाँ आपको फ़ोन के लिए स्पेस मिल जाता है, बाकी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। आगे के दो ये आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन हम पीछे की बात करते थे, पीछे के एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। और पार्सल ट्रे कुछ इस तरीके की आपको यहाँ नहीं मिलेगी। अब चलता हूँ बूट में, बूट में क्या कुछ स्पेस है आपको बताता हूँ। रियर बूट की अगर हम बात करते हैं तो रियर बूट कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वाला जो होता है उस तरीके का आपको टूल मतलब बूट गेट मिलता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ हुक मिल जाता है, कुछ आप कैरी वगैरह कर सकते हैं, ग्रॉसरी कैरी कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लाइट आपको मिलनी चाहिए थी लेकिन इसमें नहीं मिल रही है। बाकी यहाँ आपको मडगार्ड मिल रहा है, और मतलब मडगार्ड का कुछ स्पेस है इधर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ कुछ स्पेस मिल जाता है, बूट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और कुछ अगर हम स्टील रिम की बात करते हैं तो स्टील रिम नॉर्मल जो 16 इंचेस का आता है वही है इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं ओवर लुक की, कुछ तो इस तरीके की मिलती है। टेल गेट जो ओपनिंग्स हाइट है काफ़ी डिसेंट है, 6-7 feet का आदमी आराम से आ सकता है, इस मतलब खड़ा हो सकता है टेल गेट में, तो हाइट काफ़ी अच्छी रखी गई है गाड़ी के अंदर। इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हैवी है। और नॉर्मली अगर हम इसकी बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज में आपको पेट्रोल में आपको 16 से 17 की एवरेज सिटी में निकाल के दे देगी गाड़ी मैनुअल में। और अगर हम बात करते हैं हाईवे पे एवरेज निकाल के देती है हमें, हाईवे पे कम से कम ये 19 से 20 आपको एवरेज निकाल के दे देगी जब आप 80 से 90 चलाएंगे। अगर हम आप 100 से ऊपर आप चलाएंगे तो मैक्सिमम आपको 16 या 17 एवरेज आपको गाड़ी आपको प्रोवाइड करा देगी, लेकिन रफ ड्राइव में थोड़ी सी कम हो जाएगी एवरेज, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। बाकी अगर हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन आपको 1.5 का पेट्रोल इंजन मिलता है, और काफ़ी अच्छी पावर के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल इंजन मिलता है। मैं आपको एक बार इंजन वे दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है। तो इंजन वे कुछ इस तरीके का है, ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की है, वेल मेंटेन इंजन कर रखा है, काफ़ी टॉर्की इंजन लगता है ये, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, 1.5 लीटर का इसके अंदर इंजन मिलता है, और काफ़ी फ्यूल इफिशियंट भी है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंसुलेशन भी मिलती है, बेस मॉडल से इंसुलेशन आपको मिल जाती है, और बोनट काफ़ी ज़्यादा हैवी है इस कार का। और ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके की मिलती है इंजन के अंदर, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इस तरीके का ओवरऑल लुक है क्रेटा ई वेरियंट का ब्लैक कलर में। आपकी क्या राय है कमेंट में मेरे को बताओ, किस तरीके की गाड़ी लगी मेरे को बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।